झाझा के शराब कारोबारियों में पुलिस की दहशत लगातार बरकरार है। बावजूद इसके कुछ लोग प्रशासन की आंख में धूल झोंकने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। दरअसल आज यानी गुरुवार को झाझा थानाध्यक्ष राजेश रण को सूचना मिली कि एक युवक शराब के साथ बाइक से जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष अपने सशस्त्र बल के साथ उक्त युवक को धड़ दबोचने में जुट गए। बाइक सवार युवक प्रशासन को देखकर 9-2-11 होने लगा, परंतु पुलिस ने आखिरकार उसे सुंदरी टाड़ में रंगे हाथ शराब जो कि युवक ने अपनी बाइक और पैंट में छिपा रखी थी के साथ धड़ दबोचा है। इतना ही नहीं, युवक ने इतनी चालाकी से अपने पैंट में शराब की बोतलें बांध रखी थी कि किसी की नजर तक ना पड़े। परंतु थानाध्यक्ष ने युवक को हिरासत में लिया और गिरफ्तारी कर उसके शरीर को जांच करवाया तो पाया कि युवक ने अपने पैरों में शराब की कई बोतलें बांध रखी हैं, यानी कुल 10 बोतल शराब के साथ उक्त युवक को झाझा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। युवक की पहचान झाझा बरमसिया निवासी रोबिंस कुमार पिता रामेश्वर सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष के साथ सब इंस्पेक्टर विभांशु शेखर व पुलिस बल भी मौजूद रहे। बता दें कि गिरफ्तारी करने गई पुलिस का एक्शन देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि यह वीडियो देखकर आपको भी आश्चर्य लगेगा कि एक युवक किस तरह शराब तस्करी के लिए अपने पैरों के सहारे शराब की कई बोतलों को जबरदस्त तरीके से बांध कर रखा है। इधर पुलिस गिरफ्तार युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज़, जमुई।